जाई और ये बच्चे के साथ कितना मजा आता है बात करने में, सुबह सुबह इतनी बातें करता बच्चा। कविशी ने अपना नया नाम ढूंढ लिया खुद नहीं खुद, खुद का नाम इंगा। इंगा, अरे वो डायपर में ऐसी पड़ी है, उठाओ उसको मेरे इंगे। गाइस वेलकम टू टुडेस व्लॉग, मैं बना जा रही हूँ चाय। आज है 8 दिसंबर, यानी हमारे बच्चे का सेकेंड मंथ कम्प्लीट हो गया है। हैप्पी सेकेंड मंथ बर्थडे टू हर एंड वी आर सो ब्लेस्ड, शी इज हैप्पी एंड हेल्दी। जा रहे हैं, ये बड़ी पतीले में इसलिए बन रही है क्योंकि कल ज्योत्सना आंटी नहीं आई, तो बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है यहाँ, सारे बर्तन यहाँ है। धूप निकली है थोड़ी अच्छी सी, कपड़े रात के सूख रहे हैं। जब तक चाय उबलती है मैं बेबी और डैडी को संभालती हूँ। क्या हो रहा है भाई, अब तक खेल रही है? राइट नाउ आई एम कटिंग बेबीज नेल्स विद दिस स्पेशल डॉक्टर जेम्स नेल कटर जो बेबी के लिए आता है। मैं इसके एकदम ट्रिम रखती हूँ ताकि मैं इसके हाथ खुले रख सकूँ, मिटन्स ना पहनाने पड़े, तो क्योंकि चेहरे पे स्क्रैच कर लेती है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कल हम बेबी के लिए क्या शॉपिंग करके लाई, बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें लाई। टिका है ये जयपुर की सबसे मस्त दुकान है बच्चों की, हमारे एरिया की, वैशाली नगर की। नीचे इसलिए रख रही हूँ मैं ये सब क्योंकि मुझे ये सब धोना है। तो ये हम लाए बेबी के लिए हेयर बैंड, इसको लगा के फ्रॉक पहना के वो चिक क्यूट क्यूट फोटो खींचेंगे। ये बेबी के एक सॉक्स, ये बेबी के दूसरे सॉक्स, ये बेबी के कैप, और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। और ये है 220 रुपये, इस पर MRP है तो थोड़ी कम ही पड़ी होगी, पर ये बहुत प्यारी है। और ये मोटे पसंद आ गई थी बेबी के लिए कैप, ये 290, मतलब महंगी है ये, लेकिन अंदर से स्टफ़ बहुत सॉफ्ट है। इसके अंदर भी ये है फर, ये देखिए, और है ना बहुत स्ट्रेचेबल है ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है ये देखो। तो ये बेबी के लिए दो कैप्स एंड ये इससे पहले मेड का जो बेबी का वॉश है ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा बड़ा डब्बा ले लिया क्योंकि बार बार काम में आता है। कुछ करें, मैं कुछ भी फैब्रिक बाहर का टच नहीं करती बेबी पे, मैं वॉश करूँगी अभी लिक्विड डिटर्जेंट में। वैसे लोग बेबी डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं बट इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल अपना जो डिटर्जेंट होता है मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, एरियल या सर्फ एक्सल का जो मशीन वॉश होता है लिक्विड, टॉप लोड या फ्रंट लोड जो आप यूज़ करो, मेरे पास टॉप लोड मशीन है तो टॉप लोड का, उसमें वो थोड़ा सा डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। बेबी कपड़े कोई गंदे तो होते नहीं है, बस उनमें से वो थोड़ा सा रैशेज ना हो, थोड़ी साफ़ हो जाए, उसलिए और थोड़ा उसमें डिटॉल डाल देती हूँ, तो इट्स गुड। ये मम्मी बैठी देखो क्या कर रही है। ये एक्चुअली अभी है ना हमारी बेबी पहली बार कांच में दिख रही है। ये वाला मुझे फर्स्ट टाइम इन द मिरर, ये वीडियो हमेशा रखेंगे तो मैं दिखाएंगे तुम बड़े हो गए। देख देख रो रहा वो बेबी, रो रहा, अरे वो बेबी रोने लग गया। अच्छा ठीक। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं जल्दी जाने वाला हूँ ऑफिस, और मेरी बीवी ने घर की सारी सफाई कर ली। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कपड़े की, सारे कपड़े धो लिए हैं, जो कपड़े सूख गए थे वो लेके आ गई है, कुछ कपड़े समेट दिए, कुछ कपड़े अभी भी पड़े हुए हैं। बेबी को हमने दूध दूध नाश्ता पानी जो भी इसका था वो करा दिया है, मेरी बीवी नाश्ता पानी कर लिया, मेरा नाश्ता पानी बाकी है। और हाँ, वैसे बेबी का नाश्ता पानी पूरे दिन ही चलता रहता है। सो मैं निकलने वाला हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, आगे का ब्लॉग मेरी बीवी और मेरा बच्चा कंटिन्यू करेंगे। हाय हाय, अच्छा पापा का बेटा कौन है मेरे को बताओ, पापा का बेटा कौन है, कौन है, कौन है पापा का बेटा? तविश ही बोलने नहीं दे रही। तविश पापा का बेटा। हाय पीपल, मैं बस नहाई हूँ और कुछ कपड़े सुखाए मैंने, 2 बज रहे हैं घड़ी में, और मेरा बच्चा उठ गया था अभी और उठ के इसने फीड लिया है और मेरे ख्याल से वापस होने की तैयारी में है। और ये मैं आज यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये कल हम मैं हॉस्पिटल गई थी तो बहुत परेशान हुई। बेबी इज़ नॉट रेडी टू बी इन दिस कैरियर, सो घर में मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी ताकि जब बाहर जाएँ तब एकदम से इसके लिए कुछ नया ना लगे, ये आराम से इसके अंदर आ जाए तो इजी रहे इसके साथ बाहर घूमना, क्योंकि गोदी कंधे
आहा हा, बैंड बज जाती है हाथों की। भले बेबी हल्का सा हो बट बैंड बज जाती है। अब ये सो गई है वापस, तो मैं अपना खाना बनाऊंगी और ये जगेगी तो मैं उसको उस कैरियर में लेने की ट्राई करूंगी। ये लड्डू भी मेरा सुबह का बचा हुआ है, पहले ये फिनिश कर लेती हूँ। Hey guys, I did it finally and this is our Godi and she is quite uncomfortable but आदत हो तुम्हें करना है तुमको है? चलो हम बालकनी में घूमेंगे अब। वो सो गई। After feeding, this is my favorite pastime. She talk with me. Hi. हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं ऑफिस से आ चुका हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं जिम जाने वाला हूँ और आज अंकिता आपको बताएगी बेबी के रोने के पीछे जो 5 कारण है वो, तो ये वीडियो पूरा देखना। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:15 और मेरा भी डिनर हो रहा है पालक के पराठे और उधर है बोर्नविटा वाला मिल्क। अब मेरा बोर्नविटा पीने का मन कर रहा है, हॉस्टल डे याद आ गए और बेबी भी सो रहा है। उठने की तैयारी में उनको पता कैसे चलता है कि ओह शिट